अरे ताऊ देख रहे हो आज मैं क्या करके आया हूँ। अरे बेची चाची तुम रोज के क्यों इसमें क्या नहीं आए? वाह ताऊ आप भी मेरे साथ रहते रहते मजाक करना सीख गए और मैं टट्टी की बात नहीं कर रहा है। मेरे सर के ऊपर जो रावण के भाई ज़ॉम्बी के तीन सर दिखाई दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे बेची वो तो मैं बूझा हो गया तो दिमाग बहुत नहीं चलता इसलिए बेचारा नहीं सोच पाती। हाँ ताऊ वो तो मुझे पता है कि आपका दिमाग बहुत नहीं चलता, पर दुबई सिटी का हर ठेका कहाँ पे कब और किस टाइम पे खुलता वो तो आपको बखूबी याद रहता है। कौन सी बात कर रहा मुझे बताने तो बेचा क्यों ताऊ क्या हुआ अगर मजे? हाँ तो ताऊ मैं आपको ये बता रहा था कि तीनों ज़ॉम्बी के सर मैंने उसके साथ बहुत ही घमासान युद्ध में लिए हैं। हाँ तो ताऊ उस युद्ध में सीन कुछ ऐसा था कि एक ज़ॉम्बी मेरे ऊपर था, एक ज़ॉम्बी मेरे नीचे था और दो ज़ॉम्बी मेरे साइड में थे। अरे बेटे इतना गंद तो मुझे भी आता है, तुम तो चीन की बात कर रहे हो, ये तो कुल मिला के चार ज़ॉम्बी हो गई। अबे ताऊ सुनो तो सही, वो चौथा ज़ॉम्बी डुप्लीकेट था तो यार तीनों ज़ॉम्बी को मैंने एक ही लाफे में मार दिया और तीनों के सर में यहाँ पे लेके आ गया। अरे बेटे कैसी बात कर रहे हो, तुम तो एक लाफे की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारी उम्र के थे ज़ॉम्बी को भूख मार के उड़ा देते थे, ऐसी हमें स्टाइल के राजा नहीं कहते कोई। ट्राइडन का राजा बेटी एक दिन मैंने एक युद्ध में दो ज़ॉम्बी को अपनी बगल में रख के पांच दिन के सो जाते हैं। क्यों ताऊ दो ज़ॉम्बी को साथ में रख के क्यों सोए? आपको अकेले सोने में डर लगता है क्या? ना बेटे इसमें कुछ ऐसा है कि वहाँ पे सोने के लिए तकिया नहीं मिलते थे तो तकिए के बदले में मैंने ज़ॉम्बी को रख दिया। ये मैंने बहुत ही बढ़िया दिमाग यूज किया। अरे ताऊ देख रहे हो सामने के मंदिर में तो ज़ॉम्बी है, अरे ये तो अलग प्रकार के ज़ॉम्बी लग रहे हैं मुझे। अबे तो सही कहा तुमने, अब इनसे लड़ने का वक्त आ गया है, और ये अलग प्रकार के ज़ॉम्बी है, इसको हम ज़ॉम्बी की एपोकलिप्सी कह सकते हैं। क्या ताऊ एपोकलिप्सी क्या है और आपने कपड़े क्यों बदल लिए? अबे तो जैसे कि मैंने कहा अब युद्ध करने का वक्त आ गया है और मेरे युद्ध के कपड़े इसको पहनने बिना मुझे लड़ने में मजा नहीं आता है। अबे ताऊ पहन के नीचे सड्डी पहनना ठीक से सीख लो ना तो युद्ध के कपड़े है। और आपने मुझे इनसे लड़ने से पहले दूध पीने को क्यों कहा? मल कह रहे तो सिर्फ ज़ॉम्बी है, इनसे लड़ने में क्या डर लगेगा? बेटे तुम तो अभी तक नहीं समझ रहे हो, ये ज़ॉम्बी की एपोकलिप्सी है और ये सिंपल वाले ज़ॉम्बी नहीं है, कुछ अलग तरीके के ज़ॉम्बी है। इसको अगर तुम्हें मारना है तो तुम्हें दूध तो पीना ही पड़ेगा, और अगर इसने तुम्हें मार दिया तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम मर भी सकते हो। ठीक है ताऊ मैं समझ गया, पर सबसे पहले ना आप इंग्लिश बोलना बंद कर दो क्योंकि यार इससे मारने से पहले आपकी इंग्लिश मुझे मार देगी। अला कुतरिया मुझे डराता है, यहाँ पे सुप के मुझे मारने के लिए आता है पर मैं नहीं मरूंगा। ओके तो एक ज़ॉम्बी को मैंने मार दिया और ताऊ मुझे कह रहे थे कि इसको मारना थोड़ा मुश्किल होगा, घंटा इसको मारना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो भाई एक ही सेकंड में मर जा रहे हैं। वाह ताऊ ने जो मुझे कहा था वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो रहा है कि ये वाले ज़ॉम्बी अगर मुझे मारेंगे तो मैं इंफेक्टेड हो जाऊंगा और मेरी लाइफ पर नीचे नीचे गिरने लगेगी। इसका मतलब यार मैं यहाँ पे दूध लेकर आया हूँ, बहुत ही सही काम किया। गाइस यहाँ पे एक ही चीज की कमी है, वो है बोनविटा की। अगर यहाँ पे बोनविटा होता ना तो यार मजा आ जाता, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अलग प्रकार के ज़ॉम्बी हमारी दुबई सिटी के अंदर से कहाँ आ रहे हैं। तुमने उस ज़ॉम्बी को मार दिया तो मुझे छोड़ा तुमसे कहा मेरी बेटी? ताऊ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आज आप इतना एक्टिव क्यों है? मिलकर कोई भी काम में आप इतना एक्टिव नहीं रहते। ठीक है बेटे सच बचाओ की इससे पहले भी ज़ॉम्बी की एपोकलिप्सी ने हमारी यूबी सिटी के ऊपर अटैक किया था, तब मैंने उनको पगा लिया था, पर अब इन बुद्धि अड्डियों में जान दी बेटे बेटे। अबे ताऊ आप तो बहुत ही सीरियस लग रहे हो। ना बेटे छोड़ा छोड़ा हो जाते हो बेटे ये। अरे ताऊ थोड़ा मक्खन क्या लगाया, आप तो हंसने लगे। बेटे अब मैं मुझे की बात पे आता हूँ, तुम्हारे ऊपर की शेष में मैंने जो चीज देखी है उसके अंदर तुम्हें बहुत ही काम की चीज मिलेगी, और दोनों ही चीज तुम्हारे बहुत ही काम की है, उसको लेकर तुम्हें ज़ॉम्बी की एपोकलिप्सी के सामने लड़ने में मदद मिलेगी बेटे। ओके गाइस तो ताऊ ने मुझे पहली बार उनकी चेस्ट खोलने की आग की है, और क्या इसके अंदर तलवार है और एक गन है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ताऊ ने अपनी लाइफ के अंदर एक गन भी चलाई होगी। गाइस ताऊ तो यहाँ पे सुपर रुस्तम निकले। वेट ए सेकंड, ताऊ सीआईडी के ऑफिसर तो नहीं है ना? नहीं नहीं ताऊ को कोई नहीं रह सकता क्योंकि यार उनकी बातों से ही सब पक जाते हैं। ओडी बाबा इस वाली तलवार को पकड़ के मेरी लाइफ ना दो गुना नहीं तीन गुना नहीं चार गुना नहीं नहीं 500 गुना ज्यादा हो गई है, और इस वाली तलवार को पकड़ के मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं डबल फास्ट हो गया हूँ और मेरी लाइफ देख के यार मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तभी तो मैं सोचू कि ताऊ रोज इतना जल्दी दारू के अड्डे पे जाके दारू लेके सबसे पहले वापस कैसे आ जाते हैं, मुझे तो लगा कि दारू की पावर होगी। ओके तो अभी इस वाली गन को ट्राई मारते हैं। ये वाली गन तो दिखने में बहुत ही कूल लग रही है, वाह ये वाली गन तो कितना जल्दी फायर कर रही है, ये वाली गन तो ताऊ की जबान से भी ज्यादा चल रही है। इस वाली गन के साथ तो ज़ॉम्बी की एपोकलिप्सी तो क्या उसकी पूरी भारत आए ना, फिर भी लड़ जाओ। तो गाइस रात को मैं सो गया था और यहाँ पे सुबह को मैं बहुत ही लेट उठा, ऑब्वियसली बात है मैं बहुत ही ज्यादा आलसी आदमी हूँ, पर यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा आलसी हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि जब आप सुबह को उठते हो तो चारों तरफ रौनक फैली होती है, दूर से सूरज सासू आपको हाय हेलो कहते हैं और चारों तरफ सीढ़ियां सहकती। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब सीढ़ियां सहकती होती है, पर जब मैं यहाँ पे उठा तो मेरे चारों तरफ ज़ॉम्बी की आर्मी थी, दूर से मुझे ज़ॉम्बी का किंग बोल रहा था कि मेरा स्वागत नहीं करोगे, मेरा मतलब तुम्हारा स्वागत मैं ना करूँ या करूँ तुम तो आने ही वाले हो, पर हमारा ज़ॉम्बी किंग।
ठीक है, किंग जोम्बी मुझसे 50 गुना बड़ा है, फिर भी उसकी फटी हुई है और अपने साथ पूरी आर्मी लेके आया है, और इतनी बड़ी आर्मी लाया है कि इतनी बड़ी आर्मी तो साइना वालों के पास नहीं है। फिर भी मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ मैं अकेला लड़ रहा हूँ, वो भी इस वाली बंदूक के साथ जो कि लड़ाई के वक्त ही बिगड़ गई। गाइस सच बताओ तो इतनी नाइंसाफी गब्बर के ठाकुर के साथ नहीं हुई, जो कि यार उस बिचारे को पता तो था उसके दो हाथ नहीं है। इन सभी बातों को छोड़ के फिर भी मेरे पास एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, वो है मेरे ताऊ का ब्रह्मास्त्र जो कि मेरे बहुत ही काम में आ रहा है, यानी कि ये वाली तलवार जो कि बहुत ही काम में आ रही है, ये वाली तलवार एक हिट में इन सभी को मार रही है। गाइस मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सभी ज़ॉम्बीज खा के झाड़िए तो हो गए फिर भी एक हिट में मर जा रहे हैं, मतलब यार जितना खाते है उतना पसाते नहीं, यानी कि झाड़िए हो या पतले हो सभी एक हिट में मर जा रहे हैं। अब पता चला ताऊ तो यूं ही फेंका करते थे, फिर बोलते मैंने इतने ज़ॉम्बीज को मारा, इतने ज़ॉम्बीज को पैरों तले रखा, इतने ज़ॉम्बीज को बगल में रखा, फलाना ढिकाना, इस तलवार के साथ ना गाइस मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके तो मैं सुल्लू मुल्लू को मार मार के बहुत ही थक गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि डायरी की किंग ज़ॉम्बी को मार डालू, फिर ये पूरी सेना को अपने नाम पे कर दूंगा और पूरी सेना के साथ दुबई स्ट्रीट पे अटैक करूंगा और दुबई स्ट्रीट को भी अपने नाम पे कर दूंगा। वेट अ सेकंड, मैं तो हीरो हूँ और सारे कब्जे में लेने के अच्छे अच्छे काम विलेन करते हैं, अब भी यार अगले वीडियो में विलेन का हीरो लूंगा। नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने किंग ज़ॉम्बी को एक हिट में मार डाला, वो भी एक विलन को नहीं विलन के लीडर को एक हिट में मार डाला, मन क्या तू विलन कहलाने के लायक नहीं है, अगले वीडियो में मैं विलन बनूंगा, तूने मेरी नाक कटवाई है। और किंग ज़ॉम्बी के 2% के भाड़े के लोग अब भी मेरे ऊपर अटैक कर रहे, अब चोमू लोगो मैंने तुम्हारे लीडर को मार डाला है, अब तुम्हें मेरी शरणों में आ जाना चाहिए। ओके तो अनपढ़ गवार ज़ॉम्बी लोग ऐसे मारने वाले नहीं है, तो मैं सभी को पटा के आता हूँ, यानी कि मार के आता हूँ, तब तक आप जाके वीडियो को लाइक मारो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। 2 hours later तो ताऊ ज़ॉम्बीज के किंग को एक हिट में मारने के बाद मुझे पता चला कि आपने आज मुझे जो जो कहा वो सब कुछ गलत था। नीचे बैठ के बात तो ताऊ मैंने आपको नीचे तो पहुंचा दिया और खाना भी नीचे ही पहुंचा दूंगा, फिर हम रोज नीचे से ही बात करेंगे। नहीं करते तुम जब छोटे थे तो तुम्हारी मैं ही जोते थे बैठ के।